सह नवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरङ्ग वधीतमस्तु॑ म विद्विषावहै शान्तिः कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो सम्प्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि अभ्यास वैराग्य परवैराग्य इसके माध्यम से एक तो साधक अपने चित्त का मन का इंद्रियों का सदुपयोग करे और उस कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करे समाधि लाभ समाधि फल दोनों क्योंकि वही व्यक्ति को उसी की ही प्यास है उसी की खोज है अंतिम लक्ष्य है वो बाकी के सारे उसी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य हैं सारे जितने भी छोटे छोटे हमने अपने जीवन के बना रखे हैं तो जिसको जो भी दायित्व मिला है कार्यभार मिला है उसी को प्राप्त करने के लिए है वो सारा अब कोई वैसा ना कर सके यदि अगर किसी को समाधि वैराग्य पर वैराग्य अभ्यास ये सब यदि समझ में ना आए तो फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन बताया ईश्वर परिधानात्मा ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि देखो हमारे चित्त की स्थितियां तो बदलती रहती हैं कभी चित्त अत्यंत उत्साह में रहता है अत्यंत प्रसन्न रहता है संतुष्ट रहता है कभी कभी चित्त हमारा मध्यम स्थिति में रहता है कि कोई खास कारण नहीं है कोई कष्ट भी नहीं है कोई क्लेश भी नहीं है लेकिन प्रसन्न भी नहीं है <notorized religion> और कभी कभी हमारा चित्त किसी विचार को लेके, किसी परिस्थिति को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के खिन्न भी हो जाता है परेशान भी हो जाता है तो तीनों ही स्थितियाँ होती हैं चित्त की तो अब उन, उन उन चित्त की स्थिति में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म की क्वालिटी भी वैसी ही होती है चित्त की अत्यंत ऊंची स्थिति में जो कर्म किया जाता है उस कर्म की क्वालिटी बहुत हाई होती है बहुत अच्छा कर्म होता है वो। और जो मीडियम मीडियम किया जाता है तो उसकी मीडियम क्वालिटी होती है और जो चित्त की निम्न स्थिति में कर्म किया जाता है तो उस कर्म की स्थिति भी क्वालिटी भी कैसी हो जाती है निम्न ही हो जाती है फिर और वो हमारा भाग्य बन जाता है हमारा कर्माशय बन जाता है तो यदि ऐसे हम उस कर्मा से कोई इकट्ठा करते रहे तो हमें समाधि लाभ और समाधि फल नहीं मिलेगा फिर तो ईश्वर परिधान एक जो उपाय बताया इसका मतलब ये है ईश्वर परिधान का मतलब क्या है हम दिन भर ईश्वर परिधान की स्थिति में रहें इसका हमें कैसे पता लगे हम क्या ऐसा करें कि हमें ये एहसास हो कि हाँ हम ईश्वर परिणाम की स्थिति में रह करके ही सब कर्म कर रहे हैं कैसे पता लगे हमें हाँ बताओ आप बताओ कोई हमारा कार्य कर रहे हैं तो हम तो हमें हमारा लक्ष्य भी पता होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं तो हम तो कार्य तो करते ही रहे मगर जो हमें कोई खाली टाइम मिले जैसे हमारे कोई दबाव नहीं है तो उस वक्त तो मालूम होना चाहिए हमारे चित्र में किस कौन सी प्यास है मित्रों से बात करनी है कि भगवान से बात करनी भगवान से ध्यान करने की बात है

और यदि हमारा चित्त ईश्वर के ही गुणगान करने में चिंतन मनन करने में जाता है तो इसका मतलब हम ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में हैं या उसके आसपास हैं ये आपने खाली टाइम की बात बताई खाली टाइम मिलता ही नहीं है किसी को दिन भर कुछ न कुछ लगा हुआ है और काम करते हुए भी क्योंकि यहाँ सूत्र में ये नहीं बताया कि जब जब आप खाली हों तब तब आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना बाकी आप अपनी पढ़ाई करो जब जैसी मर्जी हो वैसे रहना ऐसे तो बताया नहीं यहाँ पर समाधि लाभ और समाधि फल के लिए एक साधन बताया है तो साधन क्या है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान मतलब 24 घंटे ही ईश्वर परिधान यहाँ कोई टाइम की लिमिटेड वो नहीं बताई है एक अवधि नहीं बताई है कि इतने खाली टाइम में या सुबह शाम ऐसे नहीं कहा तो अब पूरे ही समय में हम ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में कैसे रहें बोलो कोई भी कार्य को करने से पूर्व दीदी ईश्वर के मतलब अर्पण कर किया करे और उसके बीच में भी अगर ईश्वर के स्मरण आए थे तो कोई अच्छी बात है और ना भी आए तो अंतिम में फिर ईश्वर के लिए ही किया हो ऐसा भाव भी आए तो वो भी कर्म पूजा ही बन जाता ऐसे हर कर्म को कर सकते हैं हम तो क्या हम ऐसे रह पाते हैं हमें ऐसी याद थोड़ी कुछ कुछ होता है।, है कुछ कुछ नहीं होता है मेरे से। तो वो सब की अलग अलग स्थिति है किसी को होता है किसी को नहीं होता है नहीं और उसमें मतलब ये बार बार याद करने की भी जरूरत नहीं है जैसे आपको ये याद थोड़ी करना पड़ता है कि आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं कहाँ याद करना पड़ता है लेकिन तो भी गहरे में आपको रात को भी कोई उठा के पूछे भी आप किसके शिष्य हैं क्योंकि वो भाव बैठा हुआ है ना गहरे में तो मैं ईश्वर का हूँ ईश्वर मेरे हैं और मेरे सारे कर्म उसी के लिए हैं मेरे सारे भाव उसी के लिए हैं मेरे सारे विचार उसी के लिए हैं हम ऐसा संकल्प तो करते हैं ऐसा सोचते भी हैं लेकिन काम करते समय ये कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है हमारा ये वाला ज्ञान तो फिर व्यक्ति को मतलब कई तरफ से प्रयास करना होता है ना जैसे योग ग्राम में व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए महाराज जी कितनी तरह से प्रयास करते हैं उस व्यक्ति को योगाभ्यास भी करवाते हैं उसको प्राणायाम भी करवाते हैं उसका आहार भी जैसा देना चाहिए वैसा ही देते हैं उसको एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं उसको नेचरपैथी भी देते हैं उसको आयुर्वेद की दवाइयाँ भी देते हैं उसको यज्ञ भी करवाते हैं और उसको मेंटल सपोर्ट प्रेरणा भी देते हैं कि तुम रोगी हो ही नहीं ये तो आ गया था छोटा मोटा कोई बादल तो इतने सारे एंगल से जब व्यक्ति को घेरा जाता है बीमारी को तो बीमारी रुकेगी कहाँ तो ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं और उन कर्मों को हमें ईश्वर प्रणिधान में कन्वर्ट करना है तो फिर कई तरफ से प्रयास करना होता है इतना पर्याप्त नहीं है हमने सोच लिया कि मेरे कर्म जो है वो भगवान के लिए हैं आपकी शक्ति से आपके लिए कर रहा हूं अब एक बार तो सोच लिए ये तो ये तो अगली ही सेकंड में चला जाता है ये ज्ञान तो फिर हमें पूरे घंटे भर याद ही नहीं रहेगा तो ये बोलने की जरूरत नहीं है ये तो अपने चित्त को एहसास करवाने की जरूरत है और इसका अभ्यास जब हम शांत चित्त होते हैं स्थिर चित्त हैं जैसे कक्षा में बैठे इस समय तो आसानी से हो जाएगा पर जिस समय मेरे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है जो मेरे को पसंद नहीं है तो उस समय ये पाठ पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उस समय में क्या करें उस समय में प्रयास करना होता है तो उस समय में हमें ये कि जो भी काम अपने सामने आया है ना कोई भी काम वो सब्जी काटने का है वो झाड़ू लगाने का है वो खाना बनाने का है वो स्नान करने का है वो खुद रोटी खाने का है वो सोने का है कोई भी काम है उसको हम उस समय अच्छे से अच्छा करें जब कोई भी नहीं देख रहा है तो हम कम से कम इतना करें कि भाई इसमें मेरे को बेईमानी नहीं करनी इस काम को मेरे को कोई बात नहीं मैं परेशान हूं मुझे इस बात का एहसास है मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हूं तो भी मुझे ये काम तो अच्छा ही करना है इसको टालना नहीं है इसको उल्टा सीधा करके बस खाना पूर्ति नहीं करनी है मुझे अच्छे से अच्छा ही करना है तो ये व्यक्ति तब ही कर पाएगा जब वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होगा ये ध्यान भी तब आएगा और नहीं तो ध्यान भी नहीं आएगा तो ये व्यक्ति को ईश्वर परिधान में भी अभ्यास की जरूरत तो है अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता तो ईश्वर परिधान में भी है माने उसको हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य को क्योंकि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में व्यक्ति होगा ही तब जब उसको संसार की वस्तुओं से वैराग्य होगा आसक्ति है यदि संसार की वस्तुओं में तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रह नहीं सकता है और वो ईश्वर निरंतर है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर है हर समय और मैं उसी में हूं इस एहसास को स्थिर रखने के लिए ध्रुव रखने के लिए उसको अभ्यास भी करना पड़ेगा तो अभ्यास और वैराग्य तो ऐसी चीजें इनको हटाया नहीं जा सकता है। ईश्वर धान के लिए भी अभ्यास और वैराग्य जरूरी है, ठीक है तो ये हम कल पढ़ रहे थे तो अब इससे अगला प्रश्न था साधक का कि भाई वो ईश्वर कैसा है जिसकी शरणागति में जिसकी चरण शरण में हमें निरंतर रहना है तो वो कैसा है क्योंकि हमें ये अंदर से यदि एहसास हो जाए कि हम तो एक इतनी बड़ी महान शक्ति से हमारा संबंध जुड़ चुका नहीं पहले से था आज भी है और सदा रहेगा टूट सकता नहीं है बाहर किसी बड़ी शक्ति के साथ हम जुड़ते हैं जैसे हम अपने गुरुदेव के साथ जुड़े हैं तो पहले हम जुड़े हुए नहीं थे जब घर में थे तो आज हम जुड़ गए कुछ वर्षों के बाद जुड़े हुए नहीं होंगे क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है ना आत्मा की दृष्टि से देखें तो हो सकता है पहले भी संबंध रहा है कभी आज भी है आगे भी रहेगा वो आत्मा की दृष्टि से ऐसे कह सकते हैं लेकिन शरीर की दृष्टि से तो बिल्कुल ही निश्चित नहीं है लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं है ईश्वर के साथ संबंध हमारा इस शरीर से पहले भी था बिल्कुल निश्चित रूप से था आज भी है ये शरीर चले जाएंगे तब भी रहेगा तो उसके साथ हमारा संबंध सदा सदा के लिए है और सदा सदा से था इस चीज का एहसास स्मृति, जिसको स्मृति कहा था ना उपाय प्रत्यय में श्रद्धा वीर स्मृति समाधि तो उस ईश्वर को हम फील करें कि अभी भी हम उसके साथ ही हैं तो एकदम से व्यक्ति क्या हो जाता है निर्भर हो जाता है निश्चिंत हो जाता है नहीं तो व्यक्ति को चिंता ही रहती है अब जैसे आप यहाँ रहते हैं तो आपको मकान की मकान बनाने की या सब्जी कहाँ से आएगी दूध कहाँ से आएगा चावल आटा कहाँ से आएगा चिंता रहती है क्या क्यों नहीं रहती है अगर आप कहीं जंगल में एकांत में एक झोपड़ी में रहते तो आपको ये चिंता करनी ही पड़ती भाई चावल कहाँ से आएगा डिब्बे में बहुत कम बचा है आटा कहाँ से आएगा लेकिन यहाँ चिंता क्यों नहीं होती है क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर है एक शक्ति आपको कोई चिंता नहीं है बिल्कुल भी तो आपको ये बताना थोड़ी पड़ता है कि नहीं मुझे चिंता नहीं करनी है यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी ऐसा क्या आप रट्टा लगाते हो क्या नहीं लगाते हैं। क्योंकि हमें उस चीज की अनुभूति है एहसास है ऐसे जब हमें ईश्वर की प्रजेंस का एहसास होता है मैं उसमें हूँ कैसी भी परिस्थिति सामने क्यों ना आए पता नहीं कब क्या आएगा आ जाने दो उस स्थिति में भी मैं भी हूँ ईश्वर भी है और वो ईश्वर का स्वरूप कैसा है वो इसने बताया क्लेश कर्म विपाकाशय यही अपरा पुरुष विशेष है वो पुरुष विशेष है माने इस धरती का कोई भी पुरुष उसके बराबर भी नहीं है महान तो होगा ही कहा तो इसलिए मुझे कितने भी महापुरुष हैं उनसे मेरा संबंध नहीं है तो इसका मुझे कोई मलाल नहीं है मेरा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध नहीं है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ संबंध नहीं है व्यक्ति सोचे भाई उनसे संबंध होता तो कितना निश्चिंत हो जाता कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यदि मेरा योग गुरु स्वामी जी के साथ संबंध होता तो मेरे घर में कोई भी रोगी नहीं रहता ऐसा किसी को लग सकता है पर ईश्वर के साथ उस पुरुष विशेष के साथ संबंध हमारा सदा काल से है वो हमारा है उसके हम हैं तो वो कैसा है ये इन्होंने कल बताया था तो नीचे की पंक्तियाँ आप जो कल कह रहे थे समझ में नहीं आई वहाँ से मैं ले रही हूँ ये कह रहे थे यद एव अतिशयी स्यात तदेव तत्स्यात ऊपर बात चल रही थी ईश्वर के ऐश्वर्य की और ज्ञान की क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये ईश्वर जो है ये इसमें कोई बंधन नहीं है और सदा ही क्लेश कर्म विपाक आदि इनसे वो निर्लिप्त है तो बोले आपको कैसे पता लगा क्या प्रमाण है इसमें कि ऐसा ईश्वर कोई है बोले शास्त्र प्रमाण है बोले शास्त्र का क्या प्रमाण है शास्त्र में जो है वो सत्य है इसका क्या प्रमाण है इसका ये प्रमाण है क्योंकि वो उत्कर्ष ऐश्वर्य और वो ज्ञान वो दोनों उस ईश्वर में ही रहते हैं शास्त्र जो बोल रहा है तो शास्त्र उसके ऐश्वर्य का वाचक है और वो ऐश्वर्य sì उसका वाच्य है जो ईश्वर का ऐश्वर्य है वो तो वाच्य है और जो शास्त्र है वो उस ऐश्वर्य का वाचक है और ये वाच्य वाचक भाव का संबंध नित्य, नित्य है अनादिकाल से है क्योंकि उसका ऐश्वर्य नित्य है ऐश्वर्य नित्य है तो उसको कहने वाला शास्त्र भी नित्य है तो इसलिए शास्त्र का प्रमाण क्या है ईश्वर ही प्रमाण है क्योंकि उसी में है ना दोनों तो इन्होंने ये कहा था इससे ऊपर वाली पंक्ति में वर्तमान रहने के कारण इनका अनादिकाल से संबंध है ए तस्मात्त एक सदैव ईश्वर सदैव मुक्त इसलिए वो ईश्वर क्या है सदा ही मुक्त है सदा ऐश्वर्य वाला है तच्च तस् ऐश्वर्य ऐश्वर्य साम्यता साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम तो उसका जो ऐश्वर्य है वो साम्यता से और अतिशयता से मुक्त है ना तो उसके बराबर किसी का ऐश्वर्य कोई साम्यता नहीं है उसके साथ किसी की और ना तो उससे अतिशय तो हो ही नहीं सकता है उससे मुक्त है वो न ऐश्वर्य अंतरेण तद अतिशय क्योंकि उतना ऐश्वर्य किसी के पास होगा नहीं और उसके बिना उसको अतिक्रमण किया नहीं जा सकता है यदेव अतिशयी सात तदेव तत्स्यात क्योंकि जो कोई उसका अतिक्रमण कर सके वही तो वै उसको वैसा होना चाहिए ना जो ऐसा हो वही तो अतिक्रमण कर सके यत्र यष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य स ईश्वर है क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वो ईश्वर है उससे ज्यादा ऐश्वर्य हो सकता नहीं है किसी का नचे तत् समान तत् समानम ऐश्वर्यम अस्ति उसके तो बराबर भी ऐश्वर्य नहीं है किसी का अकस्मात क्यों बिल्कुल बराबर भी क्यों नहीं है चलो अतिशय नहीं है सबसे ज़्यादा हमने माना ईश्वर का ही है पर उसके बराबर तो किसी का हो सकता है दो ईश्वर तो हो सकते हैं कम से कम तो ये कह रहे नहीं हो सकते कस्मात क्यों नहीं हो सकते द्वयो तुल्ययो एकस्मिन् युगपत कामिते अर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम् कह रहे हैं देखो मानो कि कोई दो ऐश्वर्य वाले व्यक्ति हैं द्वयो तुल्ययो दोनों का एक जैसा ऐश्वर्य है या किसी भी फील्ड में एक जैसे हैं एकस्मिन् कामिते अर्थे और वो किसी एक ही कोई एक पदार्थ है जिसको वो चाहते हैं उस पदार्थ में युगपत एक ही समय में एक ही समय में दोनों उसको कह रहे हैं नवम अस्तु ये पदार्थ नया हो और दूसरा कह रहा है पुराणम इदम अस्तु तो ये कह रहे हैं इति एकस्य सिद्ध इन दोनों में से सिद्धि किसकी होगी किसी एक की होगी क्यों एक की क्योंकि दोनों की क्यों नहीं हो सकती क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही समय में नया और पुराना तो नहीं हो सकता है ना या तो नया होगा, या तो पुराना होगा तो सिद्धि एक की होगी ना तो दूसरे में क्या हो जाएगा ऊनत्व उसमें न्यूनता होगी उसको चीज नहीं मिलेगी जिसको नहीं मिली वो न्यून जिसको मिल गई वो संपन्न तो कहा सिद्धो इतर से प्राकाम्य विघातात् दूसरे का जो प्राकाम्य था उसका तो विघात हो गया उसको वो चीज नहीं मिली इसलिए ऊनत्व प्रसक्तम तो उसमें तो वो न्यूनता रह जाएगी उस वस्तु की तो वो उससे न्यून हो गया तो इसको ईश्वर पे कैसे घटा रहे हैं ईश्वर पे ऐसे घटा रहे हैं कि अगर कोई कहे कि ईश्वर के समान ही कोई एक और आत्मा है उसके पास भी इतना ऐश्वर्य हो सकता है तो ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है क्योंकि ईश्वर का हमने क्या बताया उसकी पराकाष्ठा ऐश्वर्य की क्लेश कर्म विपाशयृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर और अगले ही सूत्र में हमने बता दिया तत्र और यहाँ भाष्य में भी हमने बता दिया कि ऐश्वर्य की जो पराकाष्ठा है वो ईश्वर है यह हमने यहाँ भाष्य में भी बता दिया तो अब किसी मनुष्य की के पास उतना ऐश्वर्य यदि हो तो दोनों दोनों के पास उतना ऐश्वर्य हो नहीं सकता है एक आत्मा के पास इतना ऐश्वर्य हो नहीं सकता है क्योंकि ना तो उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अनुमान प्रमाण है ना आगम प्रमाण है तो कुछ ना कुछ तो उसमें न्यूनता रह जाती है ना जैसे सृष्टि को बनाना सृष्टि को चलाना और फिर सृष्टि का संहार करना तो वो आज तक कोई कितना भी महान से महान व्यक्ति हुआ वो कर सकता ही नहीं है तो न्यूनता रहेगी न्यूनता रहेगी तो उसके बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही समय में कोई व्यक्ति पराकाष्ठा को भी प्राप्त करे अतिशयता को भी प्राप्त करे और ऐश्वर्य को भी प्राप्त करे ये हो ही नहीं सकता है अतिशयता का मतलब ही यह है कि एक एक डिग्री तो नीचे रहेगा ना तभी तो वो अतिशयी बनेगा ना अतिशयी का मतलब ही ये है कि कुछ को तो उसने पीछे छोड़ा है नहीं तो वो अतिशय नहीं बन पाएगा जब दोनों ही पैरल हैं तो उसको अतिशय कैसे दो विद्यार्थियों में से फर्स्ट कौन निकले जो सेकंड के भी दसवें हिस्से में आगे चला गया माने बिल्कुल उसके पीछे चला गया दूसरा विद्यार्थी लेकिन उसमें सेकंड के अभी दसवें हिस्से का गैप था तो तभी तो निकाला जाएगा पॉइंट से ही तो चूकते हैं ना बड़ी बड़ी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें नहीं तो दो तो फर्स्ट हो ही नहीं सकते हैं और इतना भी गैप नहीं होगा तो उनको फिर दोबारा दौड़वाएंगे फिर दौड़ो फिर वो कंपटीशन करवाएंगे तो अतिशय तो व्यक्ति बनेगा ही तब जब उसको एक में थोड़ी सी न्यूनता होगी तो यहाँ इन्होंने ये उदाहरण दे के बताया कि भाई एक ही पदार्थ एक ही समय में नया या पुराना नहीं हो सकता है तो एक ही समय में कोई दो आत्माएं उत्कर्ष को प्राप्त हो पराकाष्ठा को प्राप्त हो ये नहीं हो सकता है क्योंकि वो उत्कर्ष या पराकाष्ठा बनेगा ही तब जब दूसरे में थोड़ी सी न्यूनता रहेगी ऊनत्व रहेगा दोनों एक चीज को चाहें तो ये तो संभव नहीं है और जिसको वो नहीं मिली उसमें न्यूनता रहेगी तो ऐसे ही आत्मा में और परमात्मा में ईश्वर में हमेशा गैप रहेगा द्वयोश्च यो युगपत कामितार्थ प्राप्तिर दोनों को एक ही समय में जो दोनों तुल्य हैं उनको एक ही साथ युगपत एक ही साथ कामित अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है अर्थस्य विरुद्धत्वात् क्योंकि वो पदार्थ एक ही समय में दो विरुद्ध गुणों को तो धारण नहीं कर सकता है ना नूतनता नु, को भी और पुराणता को भी तो एक ही समय में कोई आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा से भी युक्त हो जाए और ज्ञान का ऊनत्व भी हो ऐसा नहीं हो सकता है ना उदाहरण तो लौकिक ही होगा ना वस्तु कोई एक वस्तु कभी एक ही समय में नई और पुरानी हो सकती है क्या तो इसलिए ही तो कह रहे हैं कि एक ही समय में कोई वस्तु जैसे नई और पुरानी नहीं हो सकती है तो जो कह रहा था कि मुझे नई चाहिए ये वस्तु और एक कह रहा है कि ये वस्तु पुरानी है तो दोनों में से एक की तो सिद्धि होगी ना दोनों की तो हो नहीं सकती तो जिसकी सिद्धि नहीं हुई वो व्यक्ति न्यून रह गया और जिसको मिल गई वो पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया तो ऐसे ही कह रहे हैं द्वोश्च तुल्यो युगपत कामितार्थ प्राप्ति नास्ती दो व्यक्तियों को जो तुल्य योग्यता वाले हैं एक ही समय में परस्पर विरुद्ध गुण वाला जो कामित अर्थ है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अर्थस्य विरुद्धत्वात् क्योंकि पदार्थ के दोनों विरुद्ध गुण को वो देख रहे हैं और एक ही समय में एक पदार्थ में दो विरुद्ध गुण हो सकते नहीं हैं तस्माद यस्य साम्य अतिशयी विनिर्मुक्तम ऐश्वर्य स एव ईश्वर इसलिए यस्य जिसका साम्य अतिशयी साम्यता और अतिशयता से विनिर्मुक्त ऐश्वर्यम उससे मुक्त जिसके समान भी ऐश्वर्य किसी का नहीं है और उससे अतिशय भी उससे ज्यादा भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है स एव ईश्वर है वही ईश्वर है सच पुरुष विशेष है जो आपने सांख्य दर्शन में पुरुष के बारे में पढ़ा था ये वो वाला पुरुष 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 नहीं है ये पुरुष है विशेष का मतलब है चेतन और यहाँ पुरुष का मतलब है चेतन विशेष पुरुष विशेष तो ये इन्होंने स्वरूप बता दिया तो एक उपाय बताया कि भाई आप समाधि लाभ और समाधि फल इस दृष्टि से भी पा सकते हैं अब उसी ईश्वर का और थोड़ा सा ये वर्णन कर रहे हैं अगले सूत्र में किन चय करें और भी हम उसके बारे में बताना चाहते हैं वो ईश्वर कैसा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञता का जो बीज है वो निर्तिशयम निर्गत अतिशय माने जहाँ से अतिशयता निर्गत जिससे बढ़कर के और कहीं नहीं है तो वो जो सर्वज्ञता का बीज है वो वहाँ ईश्वर में अतिशयता को प्राप्त है सर्वज्ञता का एक तो जैसे किसी बट वृक्ष का छोटा बीज है और फिर वही बीज बड़ा होकर के अतिशयता को प्राप्त हो जाए मतलब जितना विकास हो सकता था उस बीज का उतना विकास हो जाए तो वो क्या है उसकी पराकाष्ठा मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो उसको कहेंगे निरतिशयता तो ये जो सर्वज्ञता का बीज है ये ईश्वर में वो बीज किस स्थिति को प्राप्त हो गया पराकाष्ठा को सर्वज्ञता की पराकाष्ठा है ईश्वर में इसका मतलब ये बोल रहा है ईश्वर सबसे सुख, ज़्यादा सुखमा भी है और सबसे ज़्यादा भी हाँ हाँ वो ही बता रहे हैं यहाँ पर तो भाष्य देखिए यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयात अतिन्द्रिय ग्रहणम यत्र स सर्वज्ञ है दम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न ये जो अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न मतलब वर्तमान इनका ज्ञान प्रत्येक समुच्चयात या तो इनमें से एक एक का अतीत का अनागत का या वर्तमान का इनमें से एक एक का ज्ञान या फिर समुच्चयात या तीनों का इकट्ठा अतीन्द्रिय ग्रहणम इन तीनों के ज्ञान में जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उस ज्ञान का ग्रहण किसी में अल्पम किसी में कम है और किसी व्यक्ति में बहु इति ज्यादा है लेकिन है सब में अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो किसी में कम है तीनों काल से संबंधित किसी में ज्यादा है तो कह रहे हैं कम या ज्यादा ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है इति सर्वज्ञ बीजम ये सर्वज्ञता का बीज है अब इस बीज को बढ़ाना है हमारे अंदर एक तो इंद्रियों का ज्ञान है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष तो से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं ये ज्ञान है हमारे पास दूसरा ज्ञान है हमारे पास अनुमान प्रमाण से हमें पता लगता है तीसरा हमारे पास ज्ञान है आगम प्रमाण से पता लगता है एक चौथा ज्ञान भी है जो अतिय है इनमें से किसी इंद्रिय से एहसास नहीं हुआ वो मानो आप उपासना में बैठे और आपको अच्छा लग रहा है तो ये कैसा अच्छा लग रहा है आपको एहसास हो रहा है कि जो होने वाला है अभी मेरे साथ उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो ये क्या हो गया अनागत का एक अत ज्ञान है ये इंद्रिय से तो कोई ज्ञान हो नहीं रहा है तो आपको जो एहसास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है तो ये क्या है आपके अंदर ये बीज है सर्वज्ञता का और ये बीज ही बढ़ते 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 बहुत ज्यादा पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए आपके अंदर जितना भी ज्ञान आएगा तो आप एक सिद्ध बन जाएंगे योगी बन जाएंगे त्रिकाल दृष्टा बन जाएंगे पर उसकी पराकाष्ठा आप में नहीं हो सकती है क्योंकि आप कितना भी जान लेंगे तो भी आपकी एक सीमा है आप उससे ज्यादा नहीं जान सकते एक विषय में जान लेंगे दस विषय में जान लेंगे अत ज्ञान आपका पचास विषय में हो सकता है लेकिन सब विषयों में आपका इंद्रिय ज्ञान नहीं हो सकता है तो उसकी पराकाष्ठा तो ईश्वर में ही है